subscribe my channel and hit the bell icon. फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है व्हाट इज़ हज़ार्ड, यानी हज़ार्ड क्या है। एक सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए हज़ार्ड को फाउंड करना और उसके प्रिकॉशंस को इम्प्लीमेंट करना उसका प्राथमिक जॉब होता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और हज़ार्ड के बारे में समझते हैं। हज़ार्ड, ए हज़ार्ड इज़ एनी एजेंट दैट कैन कॉज हार्म और डैमेज टू ह्यूमंस, प्रॉपर्टी और द एनवायरनमेंट। यानी ऐसी कोई भी वायु स्रोत जिससे नुकसान हो मानव की संपत्ति की और पर्यावरण की, हम उसे हज़ार्ड कहेंगे। हम इसे सिंपल भाषा यानी इजी लैंग्वेज में भी समझते हैं, यानी हिंदी में हज़ार्ड किसे कहते हैं। तो कोई भी वायु स्रोत से मनुष्य या संपत्ति या पर्यावरण को किसी भी प्रकार से नुकसान या क्षति पहुंचाता है तो उसे हम खतरा कहते हैं। फ्रेंड्स, आप आई होप कि आपने हज़ार्ड को आसानी से समझा है। हम इसके अगले पार्ट यानी इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। हमने समझ लिया कि हज़ार्ड क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हज़ार्ड। इसका आंसर होगा, देयर इज सिक्स टाइप ऑफ हज़ार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिकल हज़ार्ड, सेकंड फिजिकल हज़ार्ड, थर्ड केमिकल हज़ार्ड, फोर्थ बायोलॉजिकल हज़ार्ड, फिफ्थ एनवायरमेंटल हज़ार्ड एंड सिक्स्थ ऑर्गेनाइजेशनल हज़ार्ड। और मैकेनिकल हज़ार्ड से संबंधित है यानी मशीनरी खतरा, फिजिकल हज़ार्ड यानी भौतिकी खतरा, केमिकल हज़ार्ड से संबंधित है रासायनिक खतरा, बायोलॉजिकल हज़ार्ड से आप समझते हैं जीव वैज्ञानिक खतरा, एनवायरमेंट हज़ार्ड यानी पर्यावरण खतरा, और ऑर्गेनाइजेशनल हज़ार्ड यानी जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट के द्वारा सपोर्ट न करना, ये भी एक प्रकार का खतरा है। फ्रेंड्स, हमने हज़ार्ड के बारे में समझ लिया, टाइप्स भी समझ लिया। अगले वीडियो में विस्तार से हम जानेंगे कि इन छह टाइप की क्या परिभाषा होती है, और भी वर्क प्लेस पर हम कैसे कैटेगराइज करेंगे कि किस प्रकार का हज़ार्ड किस सेक्शन में जाएगा, तो हम अगले वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल का जो घंटा है उसे भी प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन।